भारतीय निर्वाचन आयोग शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को सौंपा जा चुका है। इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उधर नाम और चिन्ह हासिल करने के बाद अब शिंदे गुट ने शिवसेना की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा और दिल्ली संसद भवन में शिवसेना को मिले दफ्तरों पर शिंदे गुट ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिंदे गुट शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यालय और बीएमसी में शिवसेना कार्यालय समेत पार्टी की तमाम चल अचल संपत्ति अपने कब्जे में कर पाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ये नामुमकिन है। आइए जानते हैं क्यों। शिवसेना के पास पूरे महाराष्ट्र में 82 और मुंबई में 280 छोटे बड़े दफ्तर हैं। इन सभी की कीमत अरबों रुपए है। हालांकि 2020 से 21 में एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में शिवसेना के पास 191 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बताई थी। शिवसेना ने चुनाव आयोग में 17 फरवरी 2022 को साल 2020 से 21 की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की थी। इस रिपोर्ट में पार्टी को विभिन्न माध्यमों से 13,84,11,000 रुपए हासिल हुए थे। इनमें से 7,91,50,000 रुपए का खर्च पार्टी ने पार्टी के संचालन में खर्च दिखाया है। शिंदे गुट को संपत्ति क्यों नहीं मिल सकती? शिवसेना के ज्यादातर दफ्तर पार्टी की संपत्ति ना होकर किसी ना किसी ट्रस्ट के संचालन में है, यानी शिवसेना इनमें महज किराएदार की तरह है। इस तरह पार्टी का मुखपत्र कहलाने वाले सामना अखबार और कार्टून मैगजीन मार्मिक को भी प्रबोधन प्रकाशन नाम की ट्रस्ट चलाती है। दादर स्थित पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन का मालिकाना हक भी शिव सेवा ट्रस्ट के पास है। इस ट्रस्ट में शिंदे गुट के लोग शामिल नहीं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट के कब्जे वाली संपत्तियों पर दावा नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा, हमें पार्टी की संपत्ति और फंड का लालच नहीं है। हमने उद्धव सेना से अलग होने का कदम इसलिए उठाया था क्योंकि हम बाला ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।